आलू कैप्सिकम करी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को हमने ये चॉप कर लिया, और उसके बाद ये तीन शिमला मिर्च मैं ले रहा हूँ, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर सारा बीज और इसके जो एक अंदर की कोटिंग है वो हम उतार लेंगे। फिर हम एक मूंगफली ले लेंगे, मूंगफली और साथ हमें चाहिए सौंफ यानी फेनल। इसको हमने तवे के ऊपर भूनना है बहुत अच्छी तरह, जितने तक एक एरोमेटिक स्मेल नहीं निकल रहा जितने तक हम इसको भूनते रहेंगे। जलने का भी खसूस ख्याल रखना है, फ्लेम को आपने लो रखना है। तो जब ये अच्छी तरह पर ये कुक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको जो है एक मिक्सी के अंदर डाल देंगे और इसका पाउडर बनाएंगे, और ये पाउडर फिर हम करी के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले सरसों का तेल ले लेंगे किसी भी पैन के अंदर, उसमें डाल देंगे प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद रफली चॉप्ड, और उसको हम जो है अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक के प्याज फ्राई हो जाती है मुकम्मल। उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले ग्रीन चिलीज डालेंगे, और ग्रीन चिलीज डालने के बाद हम इसमें तमाम ड्राई स्पाइसेस जैसे नमक हो गया, सरसों का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर सभी हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, टोमेटो प्यूरी से भी बहुत अच्छा जायका निकल कर आता है ग्रेवी का, तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें टोमेटो प्यूरी को। और उसके बाद जैसे ये बॉईल होगा तो फिर हम उसमें डाल देंगे ये पोटैटोस जो हमने ऑलरेडी बॉईल किए हुए थे, ये पोटैटो पहले बॉईल कर लेंगे और उसके बाद इसको आप अच्छी तरह कुक करेंगे करी के अंदर, जैसे कि इसकी शक्ल आप वाजे तौर पर देख रहे हैं। थोड़ा सा वाटर लगाएंगे ताकि जो है बॉटम में स्टक ना हो, और फिर हम इसमें डाल देंगे वो मिक्सचर जो हमने पहले बनाया था वो मूंगफली और फेनल का सौंफ का, और इसको हम इसके अंदर मिला लेंगे। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू पैदा होती है करी के अंदर, और करी थोड़ी सी थिकंड होती है और चपाती वगैरह के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे, और थोड़ा सा ढक्कन लगाकर विदाउट प्रेशर ही हमने इसको थोड़ा दम पर लगाना है, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए।